नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही काम की वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ काम करने की कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जिसके ऊपर हम ना जाने कितना टाइम वेस्ट करते हैं और उसके बाद भी हमारा काम ठीक से नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ काम करने के ऐसे घरेलू जबरदस्त टिप्स जिसके ऊपर आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपके घर के सारे काम बिना किसी परेशानी के खत्म हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। दोस्तों, मेरी पहली टिप मलाई को लेकर है। मलाई हर घर में जमा की जाती है। जब दूध को हम अच्छे से गर्म करते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक परत जमना शुरू हो जाती है जिसको हम मलाई बोलते हैं। जब मलाई ठंडी हो जाती है फिर हम उसको छन्नी की सहायता से छानकर अलग से एक बर्तन में निकाल लेते हैं। हफ्ता दो हफ्ता मलाई को जमा करते हैं। जब मलाई अच्छे से क्वांटिटी में जमा हो जाती है फिर हम उसका निकालते हैं माखन। पर माखन निकालने से पहले अगर आप उसमें एक चीज़ डाल लोगे ना तो आपका माखन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल कर आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप मलाई से माखन बनाएं तो उसमें आप डाल लीजिए एक चम्मच चीनी का। चीनी डालने के बाद फिर आप मलाई को फेंटोगे तो माखन ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर निकलेगा। तो ये वाली टिप आप जरूर ट्राई करना जब भी आप मलाई से माखन बनाएं। दोस्तों, टिप नंबर टू भी माखन से लेकर ही है। जब माखन निकल जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी, जिससे ये होगा कि माखन सेपरेट हो जाएगा और माखन में से जो दूध निकलेगा वो भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम माखन को इकट्ठा करके एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहे तो माखन को ऐसे ही रोटी सब्जी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो इसका घी निकाल लीजिए। और जो माखन में से दूध निकला है हम उसको भी वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम उस दूध से बना लेंगे पनीर। तो यहाँ मेरा थोड़ी ही क्वांटिटी में दूध निकला है। अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में दूध निकलता है तो आप भी उसका पनीर बना सकते हैं। पर वो कैसे, जब आप मलाई को स्टोर करके रखोगे फ्रीज़र में, बर्फ़ वाले खाने में अगर आप मलाई को स्टोर करके रखोगे तो आपकी मलाई में कभी भी जो खट्टी सी स्मेल आती है वो कभी नहीं आएगी। एकदम फ्रेश घी बनकर निकलेगा, एकदम फ्रेश माखन बनकर आपका निकलेगा और दूध भी खट्टा नहीं होगा। तो फिर आप उससे पनीर बनाओगे तो पनीर भी एकदम फ्रेश रहेगा, जैसे आप मार्केट से पनीर लेकर आते हो वैसा ही पनीर बनकर तैयार होगा। तो देखिए, ये दूध को मैं रख दूंगी गैस के ऊपर और नींबू का रस डालकर इसको फटा लूंगी। इससे हमारे दो तीन तो पराठे बन ही जाएंगे। तो ये वाला टिप भी आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए। जब भी माखन निकाले और माखन में से दूध निकलता है उसको कभी भी वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप की तरफ। दोस्तों, आलू के पराठे किसको नहीं पसंद। हम सभी को आलू के पराठे बहुत ही पसंद आते हैं, स्पेशली बच्चों को। तो जब हम आलू को बॉयल करते हैं और आलू में हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो उस आलू के जब हम बनाएंगे पराठे तो हमारे पराठे अच्छे से नहीं बनेंगे, वो फटे फटे पराठे हमारे बनेंगे जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं आपके साथ ऐसा टिप शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके आलू कभी भी स्टिकी नहीं बनेंगे। तो जब भी आप आलू को बॉयल करें तो बहुत कम क्वांटिटी में आप पानी डालिएगा। देखिए मैंने कितना थोड़ा पानी कुकर में डाला है, फिर आप एक से दो विसल लगाएंगे तो हमारे आलू बहुत जल्दी बॉयल हो जाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम हमें ये रहती है कि जिस बर्तन में हम आलू को बॉयल करते हैं वो अंदर से काला पड़ जाता है। तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आप आलू को बॉयल करें तो उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा नींबू का रस या नींबू ही आप बीच में डाल दीजिए। तो उससे ये होगा कि जब आपके आलू बॉयल होंगे तो अंदर से आपका कुकर भी काला नहीं पड़ेगा। फिर आप कुकर का ढक्कन लगाकर दो से तीन ही विसल लगाएंगे तो आपके आलू झटपट बॉयल हो जाएंगे और आपका कुकर भी काला नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगली टिप की तरफ। इस टिप में मैंने आपको बताया है कि आज हम अपना फ्रिज साफ करेंगे एक कंघी की सहायता से। तो दोस्तों, फ्रिज की जो रबड़ होती है ये हर बार रह जाती है, हम इसको साफ़ करना भूल जाते हैं, या तो हमें इसको साफ़ करने का तरीका नहीं पता होता तो या फिर हम ज़्यादा ज़ोर आजमाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ रबड़ फट जाएगी तो यहाँ निकल जाएगी तो फिर फ्रिज के ऊपर लगेंगे पैसे। तो आज मैं आपके साथ ऐसा ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे बिना पैसे खर्च किए हुए, बिना तोड़फोड़ के हम अपना फ्रिज को साफ करेंगे। तो जिसके लिए हमें चाहिए एक पुराना कंघा
और एक पुरानी सॉक्स। सॉक्स को पहले अच्छे से पानी के साथ हम धो लेंगे, गीला कर लेंगे, फिर उसके ऊपर लगाएंगे कोई भी साबुन। तो यहाँ मैंने बर्तन साफ करने वाला साबुन लगाया है। फिर हम सॉक्स को कंघी के ऊपर चढ़ा देंगे, फिर हल्के हल्के हाथों में, हाथों से जो रबड़ है उसके बीच में चलाएंगे, और एक दो बार में जो रबड़ के बीच में फंसी हुई गंदगी है वो हमारी सॉक्स के साथ चिपक कर बाहर निकल आएगी। फिर आप एक गीले कपड़े की सहायता से इसको पोंछ लीजिएगा, और देखिए हमारी जो रबड़ है फ्रिज की वो अंदर से कितने अच्छे से साफ हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर अपनी फ्रिज की रबड़ को ऐसे क्लीन कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स थे जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो काफ़ी हद तक आसान होती ही है, और साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद ज़्यादा आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन टिप्स का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में कर सके। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप मेरी इस वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हैं। तो अभी मैं आपसे लेती हूं इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप रखिए अपना ध्यान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।